चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नौमी पर जलंधर स्थित माँ ज्वाला देवी के दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सागर में आज हम आपको सुरखी विधानसभा के जलंधर स्थित माँ ज्वाला देवी के दर्शन कराने जा रहे हैं। माँ ज्वाला देवी का मंदिर विंध्य पर्वतमाला की श्रृंखला में लगभग 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सुरखी विधानसभा के जलंधर गांव स्थित यह शक्तिपीठ अति प्राचीन है। माँ ज्वाला की प्रतिमा की भव्यता सभी को आश्चर्यचकित करती है और माँ ज्वाला पद्मासन मुद्रा में दो शेरों पर सवार हैं। दाहिने पैर के अंगूठे से सटा हुआ एक अमृत कलश भी स्थापित है और मूर्ति में नौ देवियों के चित्र अंकित हैं। इसे सिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी माँ के दरबार में सच्चे मन से श्रद्धा लेकर आता है, माता रानी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। माता रानी के दर्शन करने साल के 12 महीने यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए उत्तम व्यवस्था जल की है, प्रसाद की व्यवस्था है, जो भूखा है प्यासा है उसके लिए व्यवस्था है मंदिर में, साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं। कोई रेल बसेरा के लिए रुकना चाहता है और बातचीत करता है तो व्यवस्था की जाती है। अब इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोगों की व्यवस्था तो नहीं हो पाती, लेकिन जिनके लिए जरूरत है उनके लिए माता की यहाँ व्यवस्था है। सारी व्यवस्था है, लाइट है, पानी है, है, चारों तरफ दर्शन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने जीने लगे हुए हैं माता जी के यहाँ पे? 365 एक तरफ है, 109। अच्छा, कितने ऊपर विराजमान में है मानदेव? 1200 फुट ऊपर। 365 वाली जी है। तीन साल पहले का देखा गया है कि यहाँ ट्रैफिक अव्यवस्थित होने के कारण लोगों को परेशानी होती है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए इस बार ट्रैफिक व्यवस्था और श्रद्धालुओं को रुकने का भी है उसके पास उसकी व्यवस्था भी ठीक ठाक बनाई गई है और मंदिर में भी बढ़ाया गया है। इस बार अभी तक सभी श्रद्धालुआ आराम से आ रहे हैं और शांतिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। रात को रुकने की भी क्या व्यवस्था रहती है पुलिस की यहाँ पर? हाँ, रात में भी यहाँ व्यवस्थित है, पुलिस चौकी बनाई गई है और किसी और अनाउंस नहीं किया जा रहा है, और किसी को परेशानी होती है तो पुलिस चौकी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकार पूरी संपूर्ण व्यवस्था।